check. Check. Test 1, 2. Check. अरे अरे काय चाललंय काय इथे इथे बिटवी ना बस 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 या बर हां एक मिनिट मॅम या अरे नवाब का इथे तू कशात मॅम 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 हम लोग इंडियन नॉवल्स कलेक्टिव का एक हम लोग एक संगठन बनाए हैं कि जो भारत में 24 लैंग्वेजेस हैं और लोगों को हम जैसे लोग जो इंग्लिश में पढ़ते हैं कि हमारा जो रीजनल लैंग्वेज है वो हमको पता नहीं चलता है तो हम लोग जो जो भी रीजनल लैंग्वेज उसको जो जो अच्छे थॉट्स हैं जो अच्छी ऑथर्स हैं उनको हम लोग उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं इंग्लिश में तो ये एक कॉज है विच विल अपकीप आवर हेरिटेज फॉर आवर कंट्री एंड वी विल रियलाइज ऑल द माइंड्स थॉटफुल माइंड्स इन द रीजनल लैंग्वेजेस इट इज़ नॉट ओनली मुंशी प्रेमचंद द फर्स्ट बुक इज़ अ मुंशी प्रेमचंद But there will be this translation with a Bengali poet, a Malayalam poet, a Konkan poet. So basically all the regional language stalwarts will be translated into English so that it will be a future dissemination of the knowledge that they have. Because we have spoken to many actors and some of the actors really like Mr. Munshi Premchand's thoughts. So Vivek Oberoi and other actors, they will also do storytelling. So we are first doing storytelling and then afterwards people will get to know about it. रहा था कि हम दोनों जब तैयारी कर रहे थे स्क्रिप्ट पे तो बार बार मुझे कह रही थी कि सर मुझे बताइए कि इसको हम कैसे अब क्योंकि गोदान के बारे में इतनी बात कह दी गई है इसलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए सीधा पढ़ती हूँ ठीक है गोदान जो है उसके जो किरदार हैं जो नायक और नायिका हैं नायक का नाम है होरी और नायिका का नाम है धनिया और आगे कहानी पढ़ते हुए आपको पता चल जाएगा कि उनके तीन बच्चे हैं और दो भाई हैं होरी के मैं ज्यादा वक्त ना लेते हुए किताब पढ़ती हूँ एक्ट्रेस हूँ अभी एक्टिंग करके थोड़ा पढ़ूं कि जी होरी राम ने दोनों बैलों को सानी पानी देकर अपनी स्त्री धनिया से कहा गोबर की ओख गूड़ने भेज देना मैं न जाने कब लौटूं जरा मेरी लाठी दे दे धनिया ने दोनों हाथ गोबर से भरे थे उपले पात कर आई थी बोली अरे कुछ रस पानी तो कर लो ऐसी जल्दी क्या है होरी ने अपने झुरियों से भरे हुए माथे को सिकोड़ कर कहा तुझे रस पानी की पड़ी है मुझे ये चिंता है कि अबेर हो गई तो मालिक से भेंट ना होगी स्नान पूजा करने लगेंगे तो घंटों बैठे बीत जाएगा इसी से तो कहती हूँ कुछ जलपान कर लो और आज ना जाओगे तो कौन सा हरज होगा अभी तो परसों गए थे तू जो बात नहीं समझती उसमें टांग क्यों उड़ाती है भाई मेरी लाठी दे दे और अपना काम देख देख इसी मिलने जुलने रहने का प्रसाद है कि अब तक जान बची हुई है नहीं क्या पता न लगता कि किधर गए जब दूसरों के पांव तले अपनी गर्दन दबी हो तो उन पांव को सहलाने में ही कुशल है धनिया इतनी व्यवहार कुशल ना थी उसका विचार था कि हमने जमींदार के खेत जोते हैं तो वो अपना लगान ही तो लेगा उसकी खुशामद क्यों करें उसके तलवे क्यों सहलाएं यद्यपि अपने विवाहित जीवन के इस 20 वर्षों में उसे अच्छी तरह अनुभव हो गया था कि चाहे कितनी ही कतर ब्योत करो कितने ही पेट तन काटो चाहे एक एक कौड़ी को दांत से पकड़ो मगर लगान बेबाक होना मुश्किल है फिर भी वो हार ना मानती थी और इस विषय पर स्त्री पुरुष में आए दिन संग्राम छिड़ा रहता था उसकी 6 संतानों में अब केवल 3 जिंदा हैं एक लड़का गोबर कोई 16 साल का और दो लड़कियाँ सोना और रूपा 12 और 8 साल की
तीन लड़के बचपन में ही मर गए। उसका मन आज भी कहता था अगर उसकी दवा दारू होती तो वो बच जाते, पर वो एक धेले की दवा भी ना मंगवा सकती थी। उसकी भी अभी उम्र ही क्या थी, 36वां ही साल तो था, पर सारे बाल पक गए, चेहरे पर झुर्रियाँ पड़ गईं, सारी देह ढल गई थी, वो सुंदर गेहुआ रंग सांवला गया था और आँखों में भी कम सूझने लगा था, पेट की चिंता ही के कारण। तो कभी तो जीवन का सुख ना मिला। इस चिरस्थाई जीर्णशस्ता में उसने आत्मसम्मान की उदासीनता का रूप दे दिया था। जिस गृहस्थी में पेट की रोटियां भी ना मिलें उसके लिए इतनी खुशामद क्यों। इस परिस्थिति से उसका मन बराबर विद्रोह किया करता था और दो चार घुड़कियां खा लेने पर ही उसे यथार्थ का ज्ञान होता था। उसने परास्त होकर होरी की लाठी, मिर्जई, जूते, पगड़ी और तंबाकू का बटुआ लाकर सामने पटक दिया। होरी ने उसकी ओर आंखें तरेर कर कहा, क्या ससुराल जाना है जो पांचों पोशाक लाई है? ससुराल में भी तो कोई जवान साली सलज नहीं बैठी जिसे जाकर दिखाऊं। होरी के गहरे सांवले पिचके हुए चेहरे पर मुस्कुराहट की मृदुता छलक पड़ी। धनिया ने लजाते हुए कहा, हाँ ऐसे तो बड़े सजीले जवान हो कि साली सहजे तुम्हें देखकर रीझ जाएंगी। होरी ने फटी हुई मिर्जई को बड़ी सावधानी से तह करके खाट पर रखते हुए कहा, तो तू क्या समझती है मैं बूढ़ा हो गया? अभी तो 40 भी नहीं हुए, मर्द साठे पर पाठे होते हैं। जाकर शीशे में मुंह देखो, तुम जैसा मर्द साठे पर पाठे नहीं होते। दूध घी अंजन लगाने तक को तो मिलता नहीं, पाठे होंगे। तुम्हारी दशा देख देख कर तो मैं और भी सूखी जाती हूं कि भगवान ये बुढ़ापा कैसे कटेगा, किसके द्वार पर भीख मांगेंगे। होरी की वो क्षणिक मधुरता यथार्थ के इस आंच में जैसे झुलस गई। लकड़ी संभालता हुआ बोला, 60 तक पहुंचने की नौबत ना आएगी धनिया, इससे पहले ही चल देंगे। धनिया ने तिरस्कार किया, अच्छा रहने दो, अब मत असगुन मुंह से निकालो, तुमसे कोई अच्छी बात तो कही नहीं जाती, तो लगते हो कोसने। होरी कंधे पर लाठी रखकर घर से निकला तो धनिया द्वार पर खड़ी उसे दूर तक देखती रही। ये हुआ इंट्रोडक्शन हमारा होरी और धनिया का, उनके प्यार का, उनके नोकझोंक का। इसके बाद होरी जब आगे जाता है तो उसे गांव का एक भोला नाम का व्यक्ति मिलता है। वो शहर से दो गाय खरीद के लाता है और कहता है कि मुझे एक गाय दे दे। तो भोला कहता है कि 80 में खरीदी है भाई, तू 80 रुपये में ले ले। तो होरी कहता है, अब 80 रुपये तो है नहीं मेरे पास, लेकिन दादा मैं ना एक काम करता हूँ, थोड़े थोड़े पैसे जमा कर करके देता रहूँगा। मैं आपको कहानी काफ़ी लंबी है उसका थोड़ा थोड़ा पार्ट बता रही हूँ। तो ऐसे करके होरी के घर गाय आ जाती है। होरी के घर गाय आ गई, वो मान गया, भोला मान गया। भोला ने कहा, चलो ठीक है, तू आधे आधे पैसे दे देना। अब ये जो भोला है, इसकी जो बेटी है झुनिया, भोला की बेटी जो झुनिया है, वो होरी के बेटे गोबर के संग इश्क करती है। ये अभी तक कहानी में किसी को पता नहीं है, लेकिन गोबर जब उसके घर से गाय लेने जाता है भोला के यहाँ से, तो हमें थोड़ा उस बात का पता चलता है। तो गोबर गाय लेने गया है और गाय लेकर वापस आ रहा है। और सोना और रूपा जो होरी और धनिया की दो बेटी थी, अब उनका इंट्रोडक्शन है यहाँ पे। सहसा सोना और रूपा दोनों दौड़ी हुई आई और एक साथ बोली, भैया गाय ला रहे हैं, आगे आगे गाय, पीछे पीछे भैया है। रूपा ने पहले गोबर को आते देखा था। यह खबर सुनने की सुरखरुई उसे मिलनी चाहिए थी, सोना बराबर की हिस्सेदार हुए जाती थी, ये उससे कैसे सहा जाता। उसने आगे बढ़कर कहा, पहले मैंने देखा था तभी दौड़ी, बहन ने तो पीछे से देखा। सोना इस दावे को स्वीकार न कर सकी, बोली, तूने भैया को कहाँ पहचाना? तू तो कहती थी कि गाय भागी आ रही है, मैंने ही कहा था कि भैया है। फिर दोनों बाग की तरफ दौड़ी, गाय का स्वागत करने लगी। धनिया और होरी दोनों गाय बांधने का प्रयत्न करने लगे। होरी बोला, चलो जल्दी से नाद गाड़ दें। धनिया के मुख पर जवानी चमक उठी, नहीं पहले थाली में थोड़ा सा आटा और गुड़ घोल कर रख दें, बेचारी धूप में चली होगी, प्यासी होगी, तुम जाकर नाद गाड़ो, मैं घोलती हूँ। कहीं एक घंटी पड़ी थी, उसे ढूंढ ले, उसके गले में बांधेंगे। सोना कहाँ गई? अरे सुहाहिन की दुकान से थोड़ा सा काला डोरा मंगवा लो, गाय को नजर बहुत लगती है। आज मेरा मन की बड़ी भारी लालसा पूरी हो गई, होरी बोला। धनिया अपने हार्दिक उल्लास को दबाए रखना चाहती थी, इतनी बड़ी संपदा उसके साथ कोई नई बाधा ना लाए, शंका उसके निराश हृदय में कंपन डाल रही थी।
आकाश की ओर देखकर बोली, गाय के आने का आनंद तो तब है कि उसका पौरा भी अच्छा हो, भगवान के मन की बात है। मानो वो भगवान को भी धोखा देना चाहती थी, भगवान को भी दिखाना चाहती थी कि इस गाय के आने से उसे इतना आनंद नहीं हुआ कि ईर्ष्यालु भगवान सुख का पल्ला ऊंचा करने के लिए कोई नई व्यक्ति भेजते। बस अभी आटा घोल ही रही थी कि गोबर गाय को लिए बालकों के एक जुलूस के साथ द्वार पर पहुंचा। होरी दौड़कर गाय के गले से लिपट गया। धनिया ने आटा छोड़ दिया और जल्दी से एक पुरानी साड़ी का काला किनारा फाड़कर गाय के गले में बांध दिया। होरी श्रद्धा विहाल नेत्रों से गाय को देख रहा था, मानो साक्षात देवी जी के घर में पर्दापण किया हो। आज भगवान ने यह दिन दिखाया कि उसका घर गौ के चरणों से पवित्र हो गया। ये सौभाग्य न जाने किसके पूर्ण प्रताप से। धनिया ने भयातुर होकर कहा, खड़े क्यों हो, आंगन में नाद गाड़ दो। आंगन में जगह कहाँ है? अरे बहुत जगह है, मैं तो बाहर ही गाड़ता हूँ, पागल ना बनो, गांव का हाल जानकर भी अनजान बनते हो। अरे बित्ते भर के आंगन में गाय कहाँ बंधेगी भाई, जो बात नहीं जानते उसमें टांग मत अड़ाया करो, संसार भर की विद्या तुम्हें नहीं पड़ी। होरी सचमुच आपे में ना था। गौ उसके लिए केवल भक्ति और श्रद्धा की वस्तु नहीं, सजीव संपत्ति भी थी। वह उससे अपने द्वार की शोभा और अपने घर का गौरव बढ़ाना चाहता था। वो चाहता था लोग गाय को द्वार पर बंधे हुए देखकर पूछे, ये किसका घर है, और लोग कहे, होरी महतो का। तभी तो लड़की वाले भी उसकी विभूति से प्रभावित होंगे, आंगन में बंधेंगी तो कौन देखेगा। धनिया इसके विपरीत सशंक थी। वो गाय को सातों पर्दों से छुपाकर अंदर रखना चाहती थी। अगर गाय आठों पहर कोठरी में रह सकती तो शायद वो उसे कभी बाहर ही ना निकालती। यूं हर बात में होरी की जीत होती थी, पर इस पक्ष पर अड़ जाता था, धनिया को दबना पड़ता था। लेकिन आज धनिया के सामने होरी की एक ना चली। धनिया लड़ने पर तैयार हो गई। गोबर सोना रूपा सारा घर होरी के पक्ष में था, पर धनिया ने अकेले सबको परास्त कर दिया। आज उसमें एक विचित्र आत्मविश्वास और होरी में एक विचित्र विनय का उदय हो गया था। मगर तमाशा कैसे रुक सकता था, गाय डोली में बैठकर तो आए ना थी। कैसे संभव था कि गांव में इतनी बड़ी बात हो जाए और तमाशा ना लगे। जिसने सुना सब काम छोड़कर दौड़ने आए। ये मामूली देशी गांव नहीं है, भोला के घर में 80 रुपए में आई है। होरी 80 रुपए कहाँ से देंगे, अच्छी 50-60 रुपए में लाए होंगे। गांव के इतिहास में 50-60 रुपए की गाय भी आना एक अभूतपूर्व बात थी। गाय क्या है, साक्षात देवी जी का रूप है। दर्शकों आलोचकों का तांता लगा हुआ था और होरी दौड़ दौड़ कर सबका सत्कार कर रहा था। इतना विनम्र इतना प्रसन्नचित वो कभी ना था। सारा गांव गाय देखने आया, नहीं आए तो शोभा और हीरा जो उसके सगे भाई थे। होरी के हृदय में भाइयों के लिए अब भी कोमल स्थान था। वो दोनों आकर देख लेते तो प्रसन्न हो जाते कि उसकी मनोकामना पूर्ण हो गई है। दोनों भाई और इसकी लड़ाई इसलिए हो गई थी जायदाद को लेकर, तो अब वो अलग रहते थे। सांझ हो गई, दोनों पुर लेकर लौटे आए, इसी द्वार से निकले होंगे, पर पूछा कुछ नहीं। होरी ने डरते डरते धनिया से कहा, न शोभा आया न हीरा, सुना ना होगा। धनिया बोली, तो यहाँ कौन उन्हें बुलाने जाता है, तू बात समझती नहीं, लड़ने के लिए तैयार रहती है। अरे भगवान ने जब ये दिन दिखाया है तो हमें सर झुकाकर चलना चाहिए। आदमी को अपने सगे के मुंह से अपनी भलाई बुराई सुनने की जितनी लालसा होती है, बाहर वालों के मुंह से नहीं होती। फिर अपने भाई लाख बुरे हैं, है तो अपने भाई ही। अपने हिस्से बकरे के लिए तो सब लड़ते हैं, पर इससे खून थोड़ी ही बच जाता है। दोनों को बुलाकर दिखा देनी चाहिए, नहीं कहेंगे कि गाय लाए और कहा तक नहीं। धनिया ने नाक से कोड़ कर कहा, मैं तुमसे 100 बार 1000 बार कह दिया, मेरे मुंह पर भाइयों का बगान ना किया करो, उनका नाम सुनकर मेरी देह में आग लग जाती है। सारे गांव ने सुना तो क्या उन्होंने ना सुना होगा, कुछ इतनी दूर भी तो नहीं रहते। सारा गांव देखने आया, बस उन्हीं के पाँव में मेहंदी लगी हुई है। मगर आए कैसे, जलन हो रही होगी कि इनके घर तो गाय आ गई, छाती फटी जाती होगी। डू यू वॉन्ट मी टू कंटिन्यू और डू वी हैव टाइम? तो टू कट शॉर्ट, इसके आगे होरी जाता है उनके घर, भाइयों को बताता है, लेकिन बताने जाता है लेकिन उससे पहले भाइयों की बात सुन लेता है। भाई इसके बारे में बुराई कर रहे होते हैं और होरी उनको बिना बताए वापस लौट आता है। यहाँ पे ये लोग सब गाय के संग काफ़ी घुल मिल गए और गाय का नाम रख दिया सुंदरिया।
और दोनों लड़कियां गाय के साथ ही खाना खाती हैं, पहले एक ने वाला खुद डालती हैं, दूसरा गाय के मुंह में डालती हैं, तो ऐसे घर में गाय के आने से काफ़ी रौनक हो गई। लेकिन होरी जो है वो दिन पर दिन और भी गरीब होता गया, कर्जा था नहीं दे पा रहा था, तो ऐसे गरीबी तो थी जो बढ़ती जा रही थी। पढ़ूं आगे? तो धनिया ने गर्व भरे प्रेम से उसकी ओर देखा और कहा, इतनी तपस्या के बाद तो घर में गऊ आई, उसे भी बेच दो, ले लो कल रुपए, जैसे और सब चुकाए जाएंगे वैसे ये भी चुका देंगे। वो बात कर रहे हैं कि गाय बेच देते हैं। भीतर बड़ी उमस हो रही थी, हवा बंद थी, एक पत्ती ना हिलती थी, बादल छाए हुए थे पर वर्षा के कोई लक्षण न थे। होरी ने गाय को बाहर बांध दिया। धनिया ने टोका भी, कहा कहाँ लिए जाते हो, पर होरी ने नहीं सुना, बोला बाहर हवा में बांध देता हूँ, आराम से रहेगी, अरे उसके भी तो जान है। गाय बांधकर वह अपने मझले भाई शोभा को देखने चला गया। कोई 11 बजते बजते होरी लौटा और भीतर जा रहा था कि उसे भास हुआ जैसे गाय के पास कोई आदमी खड़ा है। पूछा, कौन खड़ा है वहां? हीरा बोलिया, मैं हूं दादा, हीरा उसका छोटा भाई, मैं हूं दादा, तुम्हारे कौड़े से आग लेने आया था। हीरा उसके कौड़े से आग लेने आया है? इस जरा सी बात में होरी को भाई की आत्महत्या का परिचय मिला। गांव में और भी तो कौड़े हैं, कहीं भी आग मिल सकती थी, हीरा उसके कौड़े में आग ले रहा है तो ये उसका सत्कार हो, सारे गांव इस कौड़े से आग लेने आता है, गांव में सबसे संपन्न यही कौड़ा है। मगर हीरा का आना दूसरी बात थी, और उस दिन की लड़ाई के बाद हीरा के मन में कपट नहीं रहता, गुस्सैल है लेकिन दिल का साफ, होरी ने सोचा। दोनों ने साथ चिलम पी, तब हीरा अपने घर गया और होरी अंदर भोजन करने चला आया। धनिया रोष से बोली, देखो अपने सपूत की लीला, इतनी रात हो गई उसे अभी अपने शहर से छुट्टी नहीं मिली, मैं सब जानती हूँ, मुझे सारा पता मिल गया है, भोला की वो रान लड़की है ना झुनिया, उसी के फेर में पड़ा रहता है। होरी के कानों में भी इस बात की भनक पड़ी थी पर उसे विश्वास ना आया था, गोबर बेचारा इन बातों को क्या जाने। बोला, किसने कहा तुमसे? धनिया प्रचंड हो गई, तुमसे छुपी होगी, और तो सभी जगह चर्चा चल रही है, ये भुग्गा ये 72 घाट का पानी पिए हुए है, उसे उंगलियों पर नचा रही है और ये समझता है कि उस पर जान देती है, तुम इसे समझा दो, नहीं कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो कहीं के ना रहोगे। होरी का दिल तो आज उमंग में था, छोटा भाई जो आया था। सहसा गोबर आकर घबराई हुई आवाज में बोला, दादा सुंदरिया को क्या हो गया, क्या काले नाग ने छू लिया, वो तो पड़ी तड़प रही है। होरी चौके में जा चुका था, थाली सामने छोड़कर बाहर निकल आया और बोला, क्या आप सगुन मुंह से निकालते हो, अभी तो मैं देखकर आ रहा हूं, लेटी थी। तीनों बाहर गए, चिराग लेकर देखा, सुंदरिया के मुंह से फिचकूर निकल रहा था, आंखें पतरा गई थी, पेट फूल गया था और चारों पांव फैल गए थे। धनिया सिर पीटने लगी। होरी पंडित दातादीन के पास दौड़ा, गांव में पशु चिकित्सा के वही आचार्य थे, पंडित जी सोने जा रहे थे, दौड़े हुए आए, दम के दम में सारा गांव जमा हो गया। गाय को किसी ने कुछ खिला दिया, लक्षण साफ थे, साफ विष दिया गया है, लेकिन गांव में कौन ऐसा मुद्दई है जो उसे विष देगा। होरी की किसी से दुश्मनी भी ना थी कि उसे किसी पे संदेह हो। आधी रात तक जमघट रहा, सभी होरी के दुख में दुखी थे और बधिक को गालियां देते थे। जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो धनिया होरी को कोसने लगी, तुम्हें कोई लाख समझाए, करोगे तो अपने मन की, तुम गाय खोलकर आंगन में चले, तब तक मैं जूझती रही कि बाहर ना ले जाओ, हमारे दिन पतले हैं, ना जाने क्या हो जाए, लेकिन नहीं, उसे गर्मी लग रही थी, अब तो खूब ठंडी हो गई और तुम्हारा कलेजा भी ठंडा हो गया। सोना और गोबर और दोनों लड़कियां रो धोकर सो गई, होरी भी लेटा। धनिया उसके सिरहाने पानी का लोटा रखने आई तो होरी ने धीरे से कहा, तेरे पेट में बात पचती नहीं, कुछ सुन पाएगी तो गांव भर में ढिंडोरा पीटती फिरेगी। धनिया ने आपत्ति की, भला सुनू, मैंने कौन सी बात पीट दी, यूं ही मेरा नाम बदनाम किए जाते हो। अच्छा एक बात बता, तेरा संदेह किस पर होता है? मेरा संदेह तो किसी पर नहीं, कोई बाहर का आदमी था, मेरा संदेह हीरा पर होता है। झूठ, बिल्कुल झूठ,
हीरा इतना नीच नहीं है, वो मुख का ही खराब है। मैंने अपनी आंखों से देखा, सच तेरे सिर की सौ। तुमने अपनी आंखों से देखा? कब? वही, मैं शोभा को देखकर आया तो वो सुंदरिया की नाद के पास खड़ा था। मैंने पूछा कौन है, तो बोला मैं हूँ हीरा, कौड़े से आग लेने आया था। थोड़ी देर मुझसे बातें करते रहा, मुझे चिलम पिलाई, वो उधर गया, मैं भीतर आया और वहीं से गोबर ने पुकार मचाई। मालूम होता है मैं गाय बांधकर शोभा के घर गया और उसने इधर आकर गाय को कुछ खिला दिया, शायद फिर ये देखने आया था कि मरी है या नहीं। धनिया ने एक लंबी सांस लेकर कहा, इस तरह के होते हैं भाई, जिन्हें भाई का गला काटने में भी हिचक नहीं होती। ओफो, हीरा मन का इतना काला है, और दाढ़ीजार को मैंने पाल पोस कर बड़ा किया। अच्छा जा सो रहे, मगर किसी को भी भूल कर इस बात का जिक्र ना करना। कौन? सवेरे होते ही लाला के थाने में ना पहुंचाऊं तो असल बाप की नहीं। यह हत्यारे भाई कहलाने लायक नहीं है, यही भाई का काम है। वो बैरी है, पक्का बैरी, और बैरी को मारने से पाप नहीं, छोड़ने से पाप है। होरी ने धमकी दी, मैं कहे देता हूं धनिया, अनर्थ हो जाएगा। धनिया आवेश में बोली, अनर्थ नहीं, अनर्थ का बाप हो जाएगा। मैं बिना लाला को बड़े घर भिजवाए मानूंगी नहीं। 3 साल चक्की पिसवाऊंगी, 3 साल, वहां से छूटेंगे तो हत्या लगेगी, तीरथ करना पड़ेगा, भोज देना पड़ेगा। इस धोखे में ना रहना लाला, और गवाही दिलाऊंगी तुमसे, बेटे के सर पर हाथ रखकर। उसने भीतर जाकर किवाड़ बंद कर दिए और होरी बाहर अपने को कोसता पड़ा रहा। जब स्वयं उसके पेट में बात ना बची तो धनिया के पेट में क्या बचती। अब ये चुड़ैल मानने वाली नहीं, जिद पर आ जाती है तो किसी की नहीं सुनती। आज उसने अपने जीवन की सबसे बड़ी भूल की है। चारों ओर नीरव अंधकार छाया हुआ था, दोनों बैलों के गले में घंटियां कभी कभी बच उठती थी। 10 कदम पर मृतक गाय पड़ी हुई थी और होरी घोर पश्चाताप में करवटे बदल रहा था। अंधकार में प्रकाश की रेखा कहीं नजर नहीं आती थी। तो हाँ, लास्ट पढ़ देती हूँ। इसके बाद ये होता है कि जो झुनिया है, जो इसका गोबर था और झुनिया का जो अफेयर था, तो वेडलॉक से अभी झुनिया जो है वो प्रेग्नेंट हो गई है, उसकी शादी नहीं हुई है। और कैसे वो घर में आ गई है और कैसे धनिया एकदम पहले तो मना करती है कि मैं इस झुनिया को रखूंगी नहीं, क्योंकि ये तो एकदम रांड है, बद जलन है, ऐसा बहुत लड़ाई करती है। लेकिन जैसे उसको रोते हुए देखती है, उसके मन में ममता आ जाती है और झुनिया को रख लेती है। तो एक वो भी एक दिखाया है कि किस तरह से शी यू नो इज अ फाइटर। एंड उसके बाद अंत में आते आते काफ़ी बूढ़ा हो गया है होरी और झुनिया भी। और ये दिखाया है कि होरी जिसने गाय मारी, जिसने गाय को जहर दिया, कैसे वो वापस आता है और अपने भाई से माफ़ी मांगता है और वो मान लेता है कि मैंने ही तेरी गाय को मारा है। वो हम नहीं पढ़ेंगे, हम तुरंत से लास्ट पोर्शन पे आते हैं जो मेन पार्ट है हमारे गोदान का। अब गोबर और झुनिया का बेटा हो गया है जिसका नाम रख दिया है मंगल। रुपए मिलते ही सबसे पहले गाय लूंगा, अब भी होरी के मन में यही बात है। मंगल अब उसका पोता था और उसका लालन पोषण के लिए गाय का होना और गाय का दूध का होना जरूरी था। मगर रुपए कहाँ से आए? संयोग से उसी दिन एक ठेकेदार ने सड़क के लिए गांव के ऊपर में कंकड़ की खुदाई शुरू करी। हीरा ने सुना तो चटपट वहां जा पहुंचा और 8 आने रोज पर खुदाई करने लगा। वही बात जो सर ने कही कि किसान के मजदूर बनने की कहानी, तब उसका लैंड उसके साथ से चला गया है, उसका खेत खलियान सब चला गया है और अब वो मजदूर बन गया है, वो मजदूरी करता है और वो खुदाई करने लगा। मगर ये काम 2 महीने भी टिक गया तो गाय भर का रुपया मिल जाएगा। दिन भर लू और धूप में काम करने के बाद वो घर आता तो बिल्कुल भरा हुआ, अवसाद का नाम नहीं। उसी उल्लास से दूसरे दिन काम करने जाता, रात को भी खाना खाकर डिब्बी के सामने बैठ जाता और सुतली काटता, कहीं 12-1 बजे सोने जाता। धनिया भी पगला गई थी, उसे इतनी मेहनत करने से रोकने के बदले खुद उसके साथ बैठी बैठी सुतली काटती। गाय तो लेनी ही है, राम सेवक के रुपए भी तो अदा करने हैं। गोबर कह गया है, उसे बड़ी चिंता है। रात के 12 बज गए थे, दोनों बैठे सुतली काट रहे थे। धनिया ने कहा, तुम्हें नींद आती है तो जाके सो जाओ, भोरे फिर तुम्हें काम पर जाना है। होरी ने आसमान की ओर देखा और कहा, चला जाऊंगा, अभी तो 10 बजे होंगे, तू जा सो जा, मैं डरती हूँ कहीं तुम बीमार ना पड़ जाओ। चल, बीमार वो पड़ते हैं जिन्हें बीमार पड़ने की फुर्सत होती है, यहाँ तो ये धुन है कि कब गोबर आए और राम सेवक के आधे पैसे जमा रहे।
कुछ वह भी लाएगा, बस इस साल ये रिनका से गला छूट जाए तो दूसरी जिंदगी हो। गोबर की बड़ी याद आती है। उसके बाद दोनों सो गए और उसके बाद होरी आया और पूरी रात दोनों भाई मिलकर रोए। तो अगले दिन होरी खुदाई करने चला तो देह भारी थी, रात की थकान दूर ना हो पाई थी, पर उसके कदम तेज थे और चाल में एक अकड़ थी। आज 10 बजे से ही लू चलने लगी और दोपहर होते होते तो आग बरस रही थी। होरी कंकड़ के छौबे उठा उठा कर खदान से सड़क पर लाता था और गाड़ी पर लादता था। जब दोपहर की छुट्टी हुई तो वो बेदम हो गया था, ऐसी थकन उसे कभी ना हुई थी। उसके पांव तक ना उठते थे, देह भीतर से झुलसी जा रही थी। उसने ना स्नान ही किया ना चबेना। उसी थकान में अपना अंगोछा बिछाकर एक पेड़ के नीचे सो रहा, मगर प्यास के मारे कंठ सूखा जाता है, खाली पेट पानी पीना ठीक नहीं। उसने प्यास को रोकने की चेष्टा की लेकिन प्रति क्षण भीतर की दाह बढ़ती जाती थी, ना रहा गया। एक मजदूर ने बाल्टी भर कर रखी थी और चबेना कर रखा था। होरी ने उठकर एक लोटा पानी खींचकर पिया और फिर आकर लेट गया, मगर आधे घंटे में ही उसे कह हो गई और चेहरे पर मुर्दनी सी छा गई। उस मजदूर ने कहा, कैसा जी है होरी भैया? होरी के सर में चक्कर आ रहा था, बोला, कुछ नहीं, अच्छा हूँ। ये कहते कहते उसे फिर कह हुई और हाथ पांव ठंडे होने लगे। ये सिर में चक्कर क्यों आ रहा है? आंखों के सामने जैसे अंधेरा छाया जाता है। उसकी आंखें बंद हो गई और जीवन की सारी स्मृतियां सजीव हो होकर हृदय पट पे आने लगी, लेकिन आगे की पीछे, पीछे की आगे, स्वप्न चित्रों की भांति बेमेल, विकृत और असंबंध। वो सुखद बालपन आया जब वो गुल्लियां खेलता था और माँ की गोद में सोता था। फिर देखा जैसे गोबर आया है और उसके पैरों पर गिर रहा है। फिर दृश्य बदला, धनिया दुल्हनिया बनी हुई लाल चुंदरी पहने उसे भोजन करा रही थी। और फिर एक गाय का चित्र सामने आया, बिल्कुल कामधेनु सी। उसने उसका दूध दुहा और मंगल को पिला रहा था कि गाय एक देवी बन गई। और उसी मजदूर ने फिर पुकारा, दोपहरी डल गई होरी, चलो छौबा उठाओ। होरी कुछ ना बोला, उसके प्राण तो न जाने किस किस लोक में उड़ रहे थे। उसकी देह जल रही थी, हाथ पांव ठंडे हो रहे थे, लू लग। देखिए बहुत ही सुंदर बात है, क्योंकि आजकल हमने ना पढ़ना छोड़ दिया है, हम किताबों को पढ़ते ही नहीं हैं। तो इन इस सब के बहाने जो हमारे ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं, इन सब के बहाने हम, जैसे मैंने आज गोदान पढ़ा प्रेमचंद जी का, तो मैंने उसमें से कुछ कुछ हिस्से पढ़े। तो वो हिस्से सिर्फ इसलिए पढ़ेगा ताकि मैं आपको बता सकूं कि ये कितनी ही खूबसूरत कहानी है, ताकि घर जाके आप किताब खरीदें और आप बोलें कि मुझे पूरी पढ़नी है। तो हम इस बहाने हम ये जो अपने लिटरेचर, हमारा लिटरेचर है अभी, हमको ही, यू नो, वी शुड ऑल गेट इन टच विद इट, हमें पढ़ना चाहिए। और इतनी सुंदर कहानियाँ हैं हमारे पास, इतना सुंदर लिटरेचर है हमारे पास, हिंदी में, पंजाबी में, कनाडा में, यू नो, इन सो मेनी लैंग्वेजेस। आई थिंक हम सबको बस अपने रूट्स में जाके इन सब ब्यूटीफुल कहानियों को ज़रूर ज़रूर पढ़ना चाहिए। गोदान का बेस्ट पार्ट मुझे लगता है उन पति पत्नी की लड़ाई, दैट्स द मोस्ट ब्यूटिफुल पार्ट। जो होरी और धनिया की जो आपस में लड़ाई होती है ना, वो इतनी, एज अ हस्बैंड एंड वाइफ, मोर देन अ हस्बैंड एंड वाइफ, दे आर फ्रेंड्स। और कभी भी ऐसा नहीं है कि होरी ऊंचा है या एज अ मर्द, एज अ मेल कैरेक्टर। जबकि ये कहानी 1936 में प्रकाशित हुई थी, यानी कि बहुत पुरानी बात है, आज़ादी के समय से पहले की बात है। तो ऐसा नहीं है कि मर्द ऊंचा है, ऊंचा स्थान है और औरत का, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इनफैक्ट इस कहानी में धनिया इज़ द वन जो एज अ फाइटर, एज अ डोमिनेंट पर्सन निकल कर आती है, डिसीजंस लेती है। सो आई टोटली लव द मियाँ बीवी का जो नोकझोंक है, दैट्स माई फेवरेट पार्ट ऑफ द स्टोरी। मुझे ना एक्चुअली मेरे फेवरेट अपार्ट फ्रॉम मुंशी प्रेमचंद, हरिशंकर परसाई, मेरे ना पंजाबी एक राइटर हैं शिव कुमार बटालवी, मुझे वो बड़े पसंद है। तो मैं शिव कुमार बटालवी साहब का बहुत सारा सब कुछ पढ़ती हूँ, मुझे काफ़ी काफ़ी मेरे फेवरेट पोएट हैं। माई लास्ट फिल्म वॉज हसीना पारकर, और हसीना पारकर के बाद मैं थोड़ी बीमार हो गई, सो आई कुडंट, आई जस्ट काइंड ऑफ टुक अ ब्रेक बिकॉज आई ब्रोक माई बैक। तो उसके बाद मैंने अभी एक एप्लॉज के संग वेब सीरीज़ की है, और अभी मैं क्योंकि थिएटर बहुत करती हूँ तो अगस्त 18 एंड 19 को रॉयल ओपेरा हाउस में नया प्ले ओपन हो रहा है, उसका नाम है हेलो फरमाइश, और आद्यम का प्ले है आदित्य बिरला का। तो प्लीज़ देखने आए सब लोग।
थैंक यू सो मच. किताब पकड़नी चाहिए थी हाथ में. आपकी किताब है क्या जो कलेक्टिव की, इंडियन नॉवल कलेक्टिव? नहीं, अच्छा काम करे, मैं ये सपोर्ट करना चाहिए. कोई भी अच्छा काम करे सपोर्ट करना चाहिए. चलिए चलिए, कोई बात नहीं, आप शुरू करिए. इसको मैं ऐसे रख देती हूँ. इंग्लिश में, हिंदी में? हिंदी में. ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव है जो ये इंडियन नॉवेल्स कलेक्टिव, जो JSW, स्पीकिंग ट्री और सब ने मिल के शुरू किया है. चार बड़ी दमदार औरतें हैं जिन्होंने ये शुरू किया है. और इंडियन लिटरेचर हमारे देश में सिर्फ हिंदी भाषा नहीं है, या कितनी सारी, 24 मेन भाषाएं और डायलैक्ट्स तो और भी ज़्यादा. और हमें एक दूसरे का लिटरेचर भी नहीं पता. हम बाहर के नॉवेल्स पढ़ते हैं, बाहर का लिटरेचर पढ़ते हैं, और अपने ही देश में बंगला में क्या लिखा है, कन्नड़ा में क्या लिखा है, मराठी में क्या है, तमिल में क्या है, गुजराती में क्या है, यही नहीं मालूम. तो कम से कम इंग्लिश ट्रांसलेशंस इसके जब अच्छे से होंगे तो यंग जनरेशन, हम जैसे लोग भी, हम भी इसमें मतलब मुजरिम है एक तरह से, क्योंकि हम लोग भी लोकल लैंग्वेजेस में इतनी ज़्यादा चीज़ें पढ़ते नहीं हैं. ज़्यादातर अंग्रेज़ी स्कूलों में पढ़े हुए हैं तो ज़्यादातर अंग्रेज़ी में पढ़ते हैं, तो कम से कम हमें जानने को तो मिलेगा. और प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, जो हमने बचपन में, मैंने खुद पढ़ा है बचपन में, मोटेराम का सत्याग्रह एक उनका एक नाटक था जो मैंने परफॉर्म भी किया है हबीब तनवीर के साथ, तो एक बहुत ही अच्छा ओकेजन है. और इस तरह की इन्होंने ऑलरेडी कई किताबें निकाली हैं इस इंडियन नॉवेल्स कलेक्टिव ने, एंड वी होप कि और भी इस तरह की कहानियाँ निकालते रहेंगे. जी नहीं, गोदान प्रेमचंद की सबसे ज़्यादा सुविख्यात नॉवल है, और मैंने बहुत साल पहले पढ़ा था, और सिर्फ एक एक्सपीरियंस कई बार याद रहता है, नॉवल नहीं याद रहती, पर ये लगता है कि हाँ बहुत अच्छा लगा था. तो आज जब प्रियंका सेठिया ने इसको फिर से पढ़ा तो बहुत चीज़ें वापस आ गईं, और बहुत खूबसूरत खूबसूरती से लिखा हुआ है, और उस ज़माने की जो स्थिति थी गाँव की उसके बारे में बताया. दुख यही होता है कि 70 साल बाद भी गाँव की स्थिति बहुत ज़्यादा बदली नहीं है, और इसके ज़िम्मेदार हम सभी हैं. किताबें मैं पहले ज़्यादा पढ़ती थी, मैं सच बताऊं तो पिछले 7-8 साल में बहुत कम पढ़ा है. एक तो छोटा सा मेरा बच्चा है, उसको संभालती हूँ, और फिर मंटो ने ही मेरे 6 साल तकरीबन ले लिए. 2012 से मैं रिसर्च कर रही थी, लिख रही थी, अभी फिल्म बन गई है. उसके पहले चिल्ड्रन फिल्म सोसाइटी में चेयरपर्सन थी. तो पिछले सालों में बहुत कम पढ़ा है, लेकिन मैंने ज़्यादातर अंग्रेज़ी में पढ़ा है, और दुनिया के कई राइटर्स को भी, इंडियन राइटर्स को भी पढ़ा है, और कुछ कुछ इंडियन ट्रांसलेशंस भी पहले भी मैंने पढ़े थे, क्योंकि मेरी मदर नेशनल बुक ट्रस्ट में काम करती थी. वहाँ पर भी बहुत इंडियन लैंग्वेज के ट्रांसलेशंस होते थे, यानी बंगला लिटरेचर कन्नड़ा में हुआ, तमिल लिटरेचर किसी और भाषा में हुआ. तो उस तरह से मैं लिटरेचर के साथ बड़ी हुई हूँ. मेरी माँ खुद पुस्तक की जगत की हैं, फादर आर्टिस्ट हैं, तो किताबों के साथ मेरा रिश्ता बहुत पहले से है. थैंक यू, आई हैव टू. जी जी जी, मंटो भी बहुत एक सुविख्यात राइटर हैं, लेकिन जब हम मुंशी प्रेमचंद की बात करते हैं या मंटो की बात करते हैं, जो हमारे लिए इतने ग्रेट राइटर्स हैं, आप सड़क पर चले जाइए, बहुत लोगों को नहीं पता है.
बहुत पढ़े लिखे लोगों को भी नहीं पता है, क्योंकि हमारे खुद के राइटर्स को हमने इतना सेलिब्रेट नहीं किया, उनको हमने अनफॉर्चुनेटली ट्रांसलेट भी कम हुए हैं। तो इसलिए मुझे बहुत खुशी है कि मैं ये फिल्म, छोटी सी मेरी एक अटेम्प्ट है कि मैं कम से कम मंटो को अपने बाहर वालों को सिर्फ नहीं पर हमारे देशवासियों को भी बता सकती हूँ कि उनकी कहानियाँ आज भी कितनी रेलेवेंट हैं। वो शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, आज भी मुझे लोग बोलते हैं अरे मैं मंटो का बहुत बड़ा फ़ैन हूँ, उनकी मैंने सारी कविताएं पढ़ी हैं, सारी नज़में पढ़ी हैं। तो मैं कहती हूँ उन्होंने कोई कविता कोई नज़म नहीं लिखी थी, उनको लगता है उर्दू में लिखा तो शायद बड़े शायर थे। तो हमें बहुत कम पता है हमारे अपने राइटर्स के बारे में, तो होपफुली इस फिल्म के ज़रिए लोगों को मंटो की राइटिंग और मंटो के बारे में और पता भी चलेगा।